नमस्कार दोस्तों, मैं अवनिंदन नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने आज जो बात करने जा रहे हैं AOC एडमिट कार्ड के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट के जो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। जिन जिन दोस्तों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी रखें, जोर शोर से अपना जो फिजिकल है उसमें तैयारी रखें दोस्तों। और दूसरी बात करें कि अगर आपकी फिजिकल की तैयारी है, आपकी अगर फिजिकल की तैयारी है दोस्तों, तो आप अपने रिटर्न टेस्ट के भी साथ साथ तैयारी रखें। कोई प्रॉपरली बुक के बारे में बात नहीं करूँगा, आप SSC GD की बुक उठाकर भी उसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी जोर शोर से तैयारी रखिए और फिजिकल के लिए अपना जो है स्टैंडर्ड रखिए दोस्तों। फिर बात करेंगे अपनी कि जो जो स्टूडेंट हैं जिनके अपने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए, तो अपने बात की थी कि 20 तारीख तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। तो अब जिन जिन स्टूडेंट के एडमिट कार्ड नहीं है उनके 10-15% चांस है एडमिट कार्ड आने के, क्योंकि जो जो स्टूडेंट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं शायद उनको ही अब भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। और अब आपसे 10-20% अपने मान के चलो कि एडमिट कार्ड जिनके नहीं आए उनके आ सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्म भरने में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई गलती रही होगी, इसलिए आपके एडमिट कार्ड नहीं आए। और अब भी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो एडमिट कार्ड थे वो उसमें एडमिट कार्ड तो आ गया मेरा, लेकिन मेरे फादर नेम की जगह मैंने जो अपने दादाजी का नाम लिख दिया, माता की नेम की जगह किसी और का लिख दिया, जो गलती होगी तो उसमें क्या करें। देखो दोस्तों, जब आप फिजिकल देने जाओगे, फिजिकल के देने के साथ साथ आप अपना क्या करें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले साथ ले जाकर आप वहाँ उनके दिखा सकते हैं, अपना शायद करेक्शन वहाँ पे हो सकती है आपकी, क्योंकि ये भर्ती वहाँ पे ऑफलाइन भर्ती की तरह काम में ली जाएगी, काम इस पर वर्क होगा, ऑफलाइन भर्ती की तरह वर्क होगा, और वहाँ पे आपके शायद हो सके तो आपकी करेक्शन हो सकती है जिन जिन दोस्तों की ये एडमिट कार्ड में या फॉर्म भरते समय कोई ना कोई गलती हुई है। और जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड दिए, हो सकता है 5-7 दिन में आपके एडमिट कार्ड आ जाएं, लेकिन उसके बाद तो कोई चांस नहीं रहता कि आपके एडमिट कार्ड आएंगे। किसी ना किसी प्रकार की आपकी कोई ना कोई वहाँ गलती रही होगी, इसलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अभी भी अपने मान सकते हैं 10-20% जो स्टूडेंट हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए उनके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट के बहुत से डाउट हैं कि वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर वर्दी मिलेगी कहाँ मिलेगी, अगर मिलेगी जॉब मिलेगी तो जी कहाँ मिलेगी। ये ऑल इंडिया भर्ती, आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है दोस्तों। बाकी दूसरा प्रेफरेंस आपने जहाँ भरा होगा लगभग जॉब आपको वहीं मिलेगी। और वर्दी कई जगह तो वर्दी मिलती है दोस्तों, कई जगह सिविल में रहना पड़ता है आपको। अगर लेह लद्दाख की बात करें तो आपको वहाँ के आर्मी की वर्दी वहाँ पर आपको मिलती है। और अपने फिजिकल की जोर शोर से तैयारी रखिए, और अगर फिजिकल की आपकी तैयारी है तो अपने रिटर्न की तैयारी भी अपनी जोर शोर से रखिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अभी भी आपका किस प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।